बारिश की बूंद में बातों में यादों में नए एक सफर पे चलते प्रोग्राम है आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में लाइव वेरी वेरी स्पेशल गेस्ट बहुत बहुत स्वागत करना चाहती हूँ मिस्टर द्विजा दास बस का जो की चीफ कमर्शियल एंड एस टाटा पावर डी दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड से हेलो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में नमस्कार टाटा पावर की तरफ से बहुत हमें खुशी हुआ यहाँ पे आके एंड इट्स अ वेरी गुड एक्सपीरियंस नो डाउट ये सही है कि कस्टमर्स हम लोगों को रिमेंबर करते हैं बिकॉज ऑफ लोड शेडिंग बट हम लोग चाहते नहीं है कि ये हो एंड आई कैन अश्योर यू दैट मिनिमम से मिनिमम अभी पावर uh, कट होता है आई एम श्योर मेरा कस्टमर्स आर वेरी हैप्पी दैट पावर कट्स आर वेरी लेस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूटर आप जब पावर सप्लाई करते हैं तो आपके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप लोगों को फेस करने पड़ते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़ा सा पूछूं तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर ये कहाँ कहाँ पर है और हाउ फ्रिक्वेंटली यू डील विद दिस चैलेंजेस किस तरह से आप इन चैलेंजेस को फेस आउट करते हैं देखिये पावर सप्लाई में आ, हमारा एक नेटवर्क खड़ा हुआ है जी नेटवर्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमें मिलता है अगर हम नेटवर्क को पूरा ठीक से मेनटेन्ड है एंड टेक्नोलॉजी अडाप्टेड है जैसे स्काडा जीआईएस इससे हम नेटवर्क को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है सपोज कुछ तूफान आ गया कुछ बारिश आ गया कहीं पे थोड़ा लूज कनेक्शन हो गया वो एक प्रॉब्लम होता है एंड मानसून uh, का टाइम में तो बहुत ज्यादा ही होता है जैसे कहीं पर लीकेज करेंट आ गया एंड अनदर प्रॉब्लम जो अक्सर आता है दैट इज कस्टमर का एंड में वहां पे थोड़ा जैसे uh, कुछ ए ई एल सी भी हम लोग इंसिस्ट करते हैं कि अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर लगाइए सेफ्टी के पर्पस में बट हाँ उसका एक प्राइस है दो हजार तीन हजार रुपया बट वो उसके लिए सेफ्टी का बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट uh, है जो कोई भी लीकेज करंट कोई भी इक्विपमेंट होता है तो इमीडिएटली ये ट्रिप करता है एंड दैट शुड बी इंस्टॉल्ड And हम लोग क्या करते हैं उसको बाईपास कर देते हैं एक बार दो बार कुछ लीकेज आया है बाईपास कर दिया बट कस्टमर्स को ये समझ पड़ेगा ये लीकेज जो होता है एक्चुअली वो मीटर में रिकॉर्ड होता है एंड मीटर में रिकॉर्ड हो रहा है मतलब उसका इम्पेक्ट बिल में है <laughs> तो बिल बढ़ रहा है ओके okay. तो उनको ये दो हजार रुपया के लिए ये सेविंग्स करना चाहिए इसको इंस्टॉल करना चाहिए सेकेंडली जो और एक प्रॉब्लम होता है मेनली इसमें जो कहीं कहीं वे थेफ्ट का एक

ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो उस टाइम से जो डिसिप्लिन धीरे धीरे आया है कि हमने इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगाया है देन ए एम आर देट इज़ ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग से हम डेटा कलेक्ट करके उसको एनालिसिस किए करके देखा है कहाँ पे इरेगुलरिटीज चल रहा है वहाँ पे रेड किए या तो वो मीटर रिप्लेस किए हैं ये जो एक डिसिप्लिन आ गया है अभी थेफ्ट बहुत कम हो गया बट स्टिल कहीं कहीं पर यह हुकिंग वगैरह चलता है जिसके दौरान नेटवर्क में एक uh, एक अनसेफ सिचुएशन खड़ा हो जाता है बहुत सारे लोगों का इलेक्ट्रोक्यूशन होता है ये हुकिंग uh, करने का टाइम पे सो दिस लॉस जो पहले हम लोग टू uh, में फिफ्टी लॉस था दैट था अगर हम हंड्रेड यूनिट खरीदते हैं हम खाली फोर्टी यूनिट को बिल कर सकते हैं एंड कलेक्ट कर सकते हैं बाकी 53 यूनिट वॉज गेटिंग लॉस्ट आज क्या हो रहा है आज वो लॉस परसेंटेज हैज कम डाउन टू सेवन परसेंट तो सात परसेंट लॉस राउंड फाइव टू सिक्स परसेंट लॉस होने से इट्स अ वेरी गुड परफॉर्मिंग कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी थोड़ा बहुत टेक्निकल लॉस रहता है बिकॉज ऑफ द नेटवर्क ट्रांसफॉर्मर कंडीशन सो आज ये चीज बहुत कंट्रोल्ड है बट ये कंट्रोल रखने पड़ेगा एंड ये डिसिप्लिन रखने पड़ेगा सो दिस इज बींग में डिफॉल्टर में भी अभी मोर ऑल लेस हंड्रेड परसेंट कलेक्शन हमारा आता है एंड कस्टमर्स आई मस्ट थैंक कस्टमर्स कस्टमर्स एक्चुअली पूरा का पूरा कोऑपरेट कर रहा है एंड आई एम श्योर एक्चुअली जो सर्विस हम कस्टमर को देते हैं कस्टमर ऐसा नहीं है कि चोरी खुद से करता है कस्टमर को अगर हम सर्विस ही अच्छा ना दें तो कस्टमर डेफिनेटली पेमेंट करने में उसको दिधा आएगा जी. तो आज जब कस्टमर खुद देख रहे हैं कि नहीं सर्विस मिल रहा है इवन कोविड का टाइम पे हम आगे बढ़ के ऑल द लाइनमैन वगैरह वो खुद को रिस्क में डाल के पीपी किट पहन के भी उनका फॉल्ट अटेंड कर रहा है okay. तो कस्टमर को भी एक कॉन्फिडेंस आ गया है ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी एंड वो वैसा ही रिएक्ट कर रहा है इन अ वेरी वेरी पॉजिटिव वे सो आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू द दिल्ली कस्टमर्स स्पेशली कस्टमर्स इन माई लाइसेंस एरिया जिसका कोऑपरेशन में आज इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज इन इंडिया कुछ ऐसे सोशल वर्क के काम है जो आपकी कंपनी डिस्ट्रीब्यूशन लेवल टाटा पावर ये कर रही है और उसे आप कहते है सी एस आर बजटिंग कॉर्पोरेट है जो आप लोग एट द टाइम ऑफ पैंडमिक कहे या वैसे भी ऐसे सोशल सर्विस काफी काम किए जाते हैं तो थोड़े सा हम इसके बारे में भी जानना चाहेंगे जैसे मेरा डिजिग्नेशन का पास एक एस आई जी ये का है सोशल इम्पैक्ट ग्रुप एज अ टाटा ग्रुप कंपनी हम लोग का जैसे जे आर डी टाटा जमशेद जी टाटा हम लोगों को ये चीज इनकॉर्पोरेट कर दिया है ब्लड में कि हम लोग यहाँ पे जो बिजनेस कर रहे हैं ये एक्चुअली सोसाइटी के लिए कर रहा है तो जो भी हमारा रेवेन्यू अर्निंग्स होता है वो इट हैज टू गो बैक टू द सोसाइटी तो दैट इज द आइडल दैट वी वर्क अपॉन डे वन से हमारा यहाँ पे भी एक सी uh, ग्रुप है एंड इसी ग्रुप को हमने रीनेम किया है एस आई जी ग्रुप जी एंड बहुत सारे एक्टिविटीज में हम लोग इन्वॉल्व हैं एंड मेनली इसका मेन एक्टिविटी इज वुमेन एम्पावरमेंट हमारा लाइसेंस एरिया में दो uh, सौ इक्कीस झुग्गीज़ हैं तो झुग्गीज़ में हम लोग डब्ल्यू एल सी दैट इज वुमेन्स लिटरेसी सेंटर खोले हैं अराउंड साढ़े तीन सौ वुमेन्स लिटरेसी सेंटर्स है, है जहाँ से करीबन चौबीस हजार लेडीज

तो जोगीज में जो सी हम एक्टिविटी करते हैं जैसे मोबाइल uh, डिस्पेंसरी जैसे ड्रग एडिक्शन कैम्प जैसे उनको अवेयर uh, करना सेफ्टी कॉन्शियस करना इन्वामेंट कॉन्शियस करना क्लिनलीनेस ये सब चीज़ का ऊपर uh, आभाज uh, करते हैं एंड उसके लिए वी पे देम एंड उसका इनकम कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए हमारा जो डिफरेंट कमर्शियल एक्टिविटीज़ है जैसे बिल डिस्ट्रीब्यूशन रेवेन्यू रिकवरी न्यू कनेक्शन का टाइम में कस्टमर uh, को मदद करना डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो सब हम आभास को देते हैं एंड जो हम कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करते हैं अदरवाइज वो पेमेंट हम आभास को करते हैं सो इट्स अ विन विन सिचुएशन दैट आभास एक्चुअली हमारा रिप्रेजेंटेटिव एज अ ब्रांड एम्बेसडर वहां पे काम कर रही है एंड उन्होंने आज आपको हम बताएंगे uh, आकड़ा 2009 में हम लोग जब ये आभा स्टार्ट किए हैं तब ए आज, ये झुग्गीज में लॉस वाज 86 परसेंट लॉस आज द लॉस इज 11 परसेंट ओनली एंड द एंटायर क्रेडिट एक्चुअली इज ये आभास का ऊपर उन्होंने दिन रात मेहनत करके वहां पे सेफ नेटवर्क बनाया है उन्होंने अभी क्या किया है एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जहां पे भी ये मानसून का टाइम में जहां पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है इन नेटवर्क कहीं पे लीकेज करेंट कहीं पे कुछ दिख रहा है तो इमीडिएटली वो व्हाट्सएप में आ, हमको इंफॉर्मेशन देते हैं जी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो थी वो बहुत ज्यादा डिजिटल सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करती थी बट बिकॉज ऑफ द कोविड काफी कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया तो उसमें टाटा uh, पावर ने क्या क्या इनिशियटिव लिए एक्चुअली डिजिटल सर्विसेज के लिए मेनली कोविड हैज हेल्प अलॉट कोविड का टाइम में हम लोग ठान लिए थे कि कोई भी कारण में कस्टमर को हमारा ऑफिस में आने का जरूरत ही नहीं है ऐसा एक सिस्टम बनाने पड़ेगा उसमें जैसे हम दे, देखा कि न्यू कनेक्शन के लिए कस्टमर को आना पड़ता है डॉक्यूमेंट के जमा करने के लिए वो हम ऑनलाइन कर दिया ना वेबसाइट में जाके वो डॉक्यूमेंट जमा कर सकता है कस्टमर का साथ हम लोग मीट करते थे जैसे आर डब्ल्यू ए आई डब्ल्यू ए सीनियर सिटीजन का साथ मीट करते थे स्कूल चिल्ड्रन का साथ मीट करते थे ये इनवायरमेंट सेफ्टी के बारे में बताने के लिए वो हम सब वर्चुअल कर दिया okay. हम कर रहे हैं सब कुछ बट वर्चुअली कर रहे हैं वीडियो में कर रहे हैं तो दे आर ऑल्सो हैप्पी एंड वो बहुत सारे हम लोगों को प्रेस किए हैं इस बारे में कि हम कॉन्टेक्ट जारी रखें डिजिटल पेमेंट्स डिजिटल पेमेंट का जितना भी चैनल अवेलेबल है सब कुछ हम कस्टमर के लिए अवेलेबल किए हैं थ्रू मोबाइल ऐप थ्रू व्हाट्सएप थ्रू इंटर बिल जो हम व्हाट्सएप में भेजते हैं वहां पर डायरेक्टली जाके कस्टमर पेमेंट कर सकता है पेटीएम फोनपे जो भी वॉलेट्स है हर एक वॉलेट को लिया गया है इंटीग्रेट किया गया है आज मेरा 80 परसेंट कस्टमर्स 80 परसेंट कस्टमर्स डिजिटली पेमेंट करता है आप सुन के आपको हैरानी होगा कि झुग्गीज में 70 परसेंट कस्टमर्स झुग्गीज़ का डिजिटल पेमेंट कर रहा है क्योंकि वो लोग रियलाइज किया है कि डिजिटल वे में ही जाने पड़ेगा टू फॉर सबको सेफ रखने के लिए हम रीडिंग के लिए सेल्फ रीडिंग uh, का प्रोविजन दिए हैं कि वो फोटो उठा के हम कस्टमर हमको भेज सकते हैं हम उसका ऊपर बिलिंग कर देंगे स्मार्ट मीटर हम ढाई लाख स्मार्ट मीटर लगा चुके हैं जहाँ पे कस, हमारा मीटर जाने का ही जरूरत नहीं है जी। हम सीधा बिल करते हैं जी बहुत ही अच्छी बात है कि हमने इतनी तरक्की कर ली मतलब कहते हैं कि कोविड के आने पर ये प्रॉब्लम्स हुई लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें अच्छी भी हुई बेहतर हुई जो इतने डिजिटल सर्विसेज आप लोगों ने किए आप क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है सर हमारे पास तो चलते चलते हम आपसे बिजली की बचत के बारे में कुछ टिप्स जरूर जानना चाहेंगे किस तरह से बचा सकते हैं देखिए बिजली का बचत के लिए द पॉइंट इज जैसे आप घर में बैठे हैं घर में आप एक बार चारों तरफ देखिए आपका कितना बल्ब इनकेट लैम्प है हम आपको जस्ट कुछ आंकड़ा देंगे लाइक like, एक एलईडी बल्ब सिक्सटी इनकेट लैम्प सिक्सटी वाट का इज इक्वल टू नाइन वाट का बल्ब एक फैन जो अभी नया टेक्नोलॉजी का फैन आया है बी उस फैन से आप एक हंड्रेड वाट का फैन नॉर्मल वो अभी अट्ठाइस वाट कंज्यूम करेगा उससे आप पंद्रह यूनिट पर आ, आ, पर मंथ आप सेव कर सकते हो ए एक इन्वर्टर ए और एक नॉर्मल अगर थ्री स्टार ए यूज करोगे एंड एक, एक इन्वर्टर फाइव स्टार ए यूज़ करोगे आपको हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट में पाँच छः हजार रुपया ज्यादा देने पड़ेगा बट आपका करीबन पाँच सौ से छः सौ यूनिट पर मंथ सेविंग्स आएगा ऐसा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है सब आप आ, एनर्जी एफिशिएंट इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कीजिए फाइव स्टार में कन्वर्ट कीजिए आपका बिजली का बिल आधा हो जाएगा ये मेरा गारंटी है जी अब बिल्कुल बहुत अच्छी बात है और इससे अच्छा और क्या होगा कि हमारा बिजली का बिल आधा हो जाए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच मोस्ट वेलकम थैंक यू बारिश की बूंद में बातों में में यादों सफर पे ले तुमको कहीं रो